कर्म लेखक रामवीर सिंह सांगवान साहू सहायक उप निरीक्षक दिल्ली पुलिस। अभी आपको धारा 268 पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताऊंगा, जो आईपीसी की धारा 268 में बताया। सबसे पहले तो पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है ये बता देता हूँ। ऐसा जो कोई भी वर्क एक्ट कार्य है जो उसके काम से आम पब्लिक को किसी भी प्रकार का नुकसान होता हो, वो उसके उसके किसी भी जीवन में रहन सहन में किसी भी प्रकार से उसको बाधा डालता हो, वो सब पब्लिक न्यूसेंस कहलाएगा। इसकी धारा 268 से लेकर 294 तक है। इसके अंदर सारा कूड़ा करकट या गली में गड्ढा खोदना या कोई कटा फटा सामान बेचना, खाने पीने के पदार्थ या दवाइयों में मिलावट या वायु प्रदूषण को दूषित करना या अपने खतरनाक वाहन को या किसी भी चलाने के साधन को खतरनाक ढंग से चलाना या समुद्री में कोई भी किश्ती इत्यादि को चलाने में किसी भी प्रकार की नेग्लिजेंसी करना या रास्ते में बाधा डालना, रोडी रहती बदरपुर डाल के जैसे जहर से संबंधित या आग से संबंधित या बक्से जलने वाले पदार्थों से संबंधित कोई लापरवाही करना या मकान बनाने से संबंधित कोई लापरवाही, मशीनरी से संबंधित कोई लापरवाही करना, पशु इत्यादि रखने से पालतू पशुओं के बारे में कोई भी लापरवाही करना, तो या अश्लील साहित्य छापना बनाना जैसे ब्लू पिक्चर बनाना या और किताबें छापना या जवान व्यक्तियों के जवान को बेचना 20 साल से नीचे या उसको काम में लगाना अश्लील साहित्य इत्यादि के बारे में, या पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत करना, गंदे गाने गाना या लॉटरी से संबंधित, इसमें टोटल इतनी सेक्शन है 268 से लेकर 294 तक है। 268 का है वह व्यक्ति बाधा का दोषी है जो ऐसा कार्य करता है या ऐसे अवैध लोप का दोषी है, यानी कि वो लोप करता है, चूक करता है, नेग्लिजेंसी करता है, जो लापरवाही करता है जिसमें लोग को, जनसाधारण को या आसपास में जो कोई रहता हो, आसपास की संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर कब्जा रखता हो, कोई सामान्य क्षति यानी इंजरी, संकट या परेशानी करता हो, जो और लोग रहते हैं उसने किसी भी प्रकार की कोई परेशानी करता हो जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें लोक अधिकार के रूप में उपयोग लाने का मौका पड़े, क्षति बाधा संकट या परेशान होना असंभव हो, कोई सामान्य बाधा इस आधार पर क्षमा योग्य नहीं कि उससे कुछ सुविधा या क्षति होती है, तो इसलिए बाद उसको क्षमा नहीं किया जाएगा कि उसके उस कार्य से कुछ सुविधा भी मिलती है अगर क्षति होती है तो, इसमें इस प्रकार का कोई छूट नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए बीच रास्ते में गहरा गड्ढा खोद देता है जिससे सड़क पर आने जाने वालों को असुविधा होती, परेशानी होती है, यहाँ पर ए का कार्य लोक बाधा है यानी पब्लिक के लिए बाधा है और वही अपराध के लिए दंडित है। जैसे रास्ते में खड्डा खोद दिया, कुआ खोद दिया, खेल बना दी, पशु बांध दिए, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी या जनरेटर चलाता है, फैक्ट्री लगाता है, धुआं छोड़ता है, बार बार ऐसा कोई किसी भी प्रकार का कार्य करता है तो वो लोक बाधा का यानी पब्लिक न्यूसेंस का वो ऑफेंस माना जाएगा। लोक बाधा की आवश्यक तथ्य तथा इसेंशियल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस धारा 268 के अनुसार लोक बाधा ये बात मानी जाएंगी। नंबर एक, किसी व्यक्ति द्वारा कोई गैर कानूनी कार्य किया जाना या गैर कानूनी यानी कि इलीगल कार्य किया जाना या गैर कानूनी कार्य का न किया जाना, या तो इलीगल कार्य करे या लीगल कार्य को ना करे तो वो आवश्यकता तो माना जाएगा। नंबर दो, ऐसे कार्य जनता या आसपास के निवासियों अथवा आसपास की संपत्ति पर जो कब्जा रखते हैं यानी रहते हैं व्यक्तियों को सामान्य क्षति संकट या परेशानी जरूर होनी चाहिए, जब किसी ने कोई संकट परेशानी ना होती तो वो नहीं माना जाएगा इसका। नंबर तीन, ऐसे कार्य से भविष्य में लोक अधिकार को उपयोग में लाने वाले व्यक्तियों को सामान्य क्षति यानी इंजरी संकट या परेशानी उत्पन्न होने की संभावना हो तो भी ठीक है। उक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न कार्य जिनके कारण छुआछूत फैलती हो, सार्वजनिक जल दूषित हो, पानी गंदा होता हो, वातावरण खराब होता हो, वायु प्रदूषण या वाहनों को उतावलापन से नेग्लिजेंसी से चलाए या सार्वजनिक मार्ग में रुकावट लगाई जाए आदि लोक बाधा की श्रेणी में आ सकेंगी। तो ये था पब्लिक न्यूसेंस धारा आईपीसी की 268 के अनुसार। ये एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी व एलएलबी के तमाम छात्रों व आम नागरिक व पुलिस के लिए आसान भाषा में, मैं लेखक रामवीर सिंह सांगवान सहायक उप निरीक्षक दिल्ली पुलिस वीपीओ पिलाना जिला रोहतक हरियाणा, माय फेसबुक पेज पीटीसी दिल्ली पुलिस रामवीर सांगवान लाइन इंस्ट्रक्टर, माय फेसबुक माय यूट्यूब चैनल रामवीर सांगवान दिल्ली पुलिस, इसको पसंद आए लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना।